हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। दिस इज संदीप और आपके कमेंट्स को पढ़ के मैंने ला दिया है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन अजय कुमार गर्ग, जेएसएस नोएडा और काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अजय कुमार गर्ग, जेएसएस और काइट, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है, इस पर मैंने कंपैरिजन वीडियो लाया हुआ है। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक एक्सप्लेन करा हुआ है। और आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि इन तीनों में कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी रहती हैं, वीडियो क्वालिटी सही रहती है, मैं एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम सुविधाएं चाहिए काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग, कॉल सपोर्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। यहाँ सब कुछ फ्री है। तो आपके लिए अगर आप एकेटिव की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू। और आपको जो भी क्वायरीज है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमें ये देखते हैं कि इन तीनों में बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए। एक कॉलेज है जेएसएस नोएडा, आप में से सब हर एक इंसान इसको जानता होगा, जेएसएस नोएडा नोएडा में है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अजय कुमार गर्ग, जो आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। और तीसरा है काइट, ठीक है। इन तीनों में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और आई एम डैम श्योर कि ये देखने के बाद आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डेफिनेटली इसे कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो है एकेजी, जेसिस और गाइ और काइट में, पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग चल रही है अभी। तो तीनों को AAA+ मिला हुआ है इन तीनों के इंजीनियरिंग कॉलेज को। और अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं, जो अपनी गवर्नमेंट MHRD डिसाइड करती है, तो AKG 251 से लेकर 300 के बैंड में AKG आता है AKG। और जेसिस जो है 201 से लेकर 250 के बैंड में आता है। और काइट जो है 176 इसकी NIRF रैंकिंग है। तो अगर NIRF रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो काइट यहाँ पे जीत जाता है। तीनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरव्यू। और कैंपस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो AKG का भी बढ़िया है, जेसिस का भी बढ़िया है, काइट का भी बढ़िया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो तीनों ठीक हैं, ऑल आर गुड। हॉस्टल के मामले में भी सारे सही हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ। तो फीस के मामले में मुझे तीनों में से कोई नहीं जचता है। फीस इतना ज़्यादा ले रहे हैं लोग, 136,499 रुपये, मतलब 136,000 काइट ले रहा है, जेसिस 137,850, 138,000 के आसपास ले रहा है। और AKG ने तो हद कर दी, 141,000 ले रहा है, ठीक है। तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हॉस्टल फीस की बात करूँ काइट में तो 94,000 है, जेसिस का 153,000 है, इसका 115,000 है, इसका 120,000 है। तो फ़ीस के मामले में तो काइट इन दोनों से बेहतर है। हॉस्टल फीस भी कम है और कॉलेज का फीस भी कम है, जेसिस भी लगभग आसपास ही है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। और AKG तो यार हद कर दिया है इसका, मतलब बढ़िया 2.5 लाख का पैकेज मान के चलिए। अगर आप इन तीनों में से किसी का जा रहे हैं ना, तो 2.5 से 3 लाख तो आपका पर ईयर खर्च होना ही होना है। आप मुझे लिख के ले लो, क्योंकि सिर्फ यही खर्चे मिला के 2.5 लाख हो जाएंगे, 2.5 लाख सिर्फ यही खर्चा मिला के हो जाएगा। सिर्फ इसी से काम थोड़ी ना चलता है, बच्चों को बुक्स खरीदनी रहती हैं, इंटर्नशिप्स करना रहता है, आने जाने का, ठीक है, और ऊपर उड़ाने का, है ना, और भी तो खाते पीते हैं ना बच्चे। तो 2.5 लाख तो यही हो जाएगा, 3 लाख से कम मत समझना, ठीक है। 3 लाख का लगभग पैकेज मान के चलना। और इन तीनों में स्कॉलरशिप आ जाती है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो 55,000 से 60,000 के आसपास में स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है, ठीक है। 60,000 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाती है। SC ST हैं तो 1 लाख से ज़्यादा भी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो ये बात रहा फीस का। तो फीस वाइज देखें तो फीस वाइज में यार काइट का सबसे कम है, उसके बाद जेसिस का, उसके बाद AKG का। अभी मैं गलगोटिया को इसमें मेंशन नहीं किया हूँ, गलगोटिया का इनसे भी कम है, मैं इस पर भी कंपेरिजन वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की। तो एवरेज प्लेसमेंट देखते हैं यार। एवरेज प्लेसमेंट AKG का 4 लाख है, जेसिस का 3.5 से 4 लाख है, काइट का भी 4 लाख के आसपास ही है। तो एवरेज प्लेसमेंट तो लगभग सबका एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि किसमें कितने ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है।
हाईएस्ट प्लेसमेंट का लोग कहते हैं कि एकेजी में अब तक ऑफ कैंपस, जबकि मुझे कोई ऑफिशियल डाटा नहीं मिला है, ऑफ कैंपस 40 लाख गया है, काइट का 37 लाख गया है, तो ऐसे कहते हैं, पर मैं उसको नहीं मानता जब तक मुझे ऑफिशियल डाटा प्रोवाइड नहीं होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ, कि किसका कितना रहा। मैं तुम्हें एक बार फीस दिखाता हूँ सबका। पहले फीस का ऑफिशियल डाटा देखो, ये है एकेजी भैया, देख रहे हो कितना ज़्यादा फीस है इनका। सॉरी, ये जेएसएस का फीस है, एक 1,37,850 रुपये। और ये हॉस्टल का फीस है, हॉस्टल का फीस है 1,35,000 फलाना, इतना ज़्यादा, ठीक है। और अगर वो, और अगर तुम उसमें वो करवाते हो, क्या कहते हैं, मतलब काउंसलिंग टाइम पे तुम्हें क्या पेड करना होता है, 1,15,000 के आसपास। और उनके लिए लेटरल एंट्री एस सी एस टी कैटेगरी के लिए इतना है, उन दोनों का फीस तुम देख लो, ठीक है। ये इसका फीस था जेसिस का। ऑफिशियल डाटा देखो काइट का, काइट का ऑफिशियल डाटा 1,36,499 रुपये। हॉस्टल फीस अगर तुम देखो, एसी भी मिलता है काइट में, ये बढ़िया बात है ना। अगर पैसे वाले हो तो एसी भी जोड़ के ले लो, अगर पैसे वाले नहीं हो तो एसी मत लो, एसी का अलग से 25,000 दे देना, ठीक है। एकेजी का फीस देखो यार बहुत ज़्यादा, 1,41,756 रुपया। और हॉस्टल फीस 1,20,000। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन मनी होता है वापस कर दिया जाता है लास्ट में, तो यार अभी थोड़ी ना मिलता है क्वेश्चन मनी, अभी तो मेरे सब पैसा जोड़ के ही चलेंगे, ठीक है। ये टोटल पैसे थे आपके, कितने लगेंगे। अब मैं ज़रा ना तुम्हें प्लेसमेंट दिखाऊंगा, तुम शॉक्ड हो जाओगे यार, 3 लाख इनका ले रहे हैं लोग। इनका थोड़ा प्लेसमेंट देखना, प्लेसमेंट देखो ध्यान से। ये मैं काइट का दिखा रहा हूँ प्लेसमेंट का डाटा, NIRF का डाटा है ये, पूरा 100% श्योर, सही, मुझे लगता है कि सही रहता है, क्योंकि इसको NIRF का ऑफिसर चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने देखा होगा गूगल पे कोई बहुत अलग अलग साइट है, कुछ भी डाल दी रहती हैं, ठीक है, उसमें प्रमोशन वमोशन का भी मसला रहता है, लेकिन NIRF वाला तो अपना वो रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें जो है ना 19-20 लेटेस्ट वाली की बात कर लेते हैं। 1019 लोग किस में बैठे थे, प्लेसमेंट में बैठे थे, और 789 लोग प्लेस्ड हो गए। तो अगर मैं निकालूं इनका परसेंटेज निकालूं, तो मात्र काइट है, देख लेना एक बार ध्यान से देखो कौन सा कॉलेज है, ये काइट है, देख रहे हो ना, काइट का, काइट, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मात्र 77% बच्चे ही प्लेस्ड हो रहे हैं, ओनली 77% बच्चे ही प्लेस्ड हो रहे हैं, मात्र 70, बाकी बच्चे, और ये भी ऐसा भी नहीं है कि बाकी बच्चे हायर स्टडीज़ में चले गए, सिर्फ 7 बच्चे थे जो हायर स्टडीज़ में गए, तो ये तो बहुत ही अजीब मामला है। अरे यार, 3 लाख आप फीस ले रहे हो, 3 लाख का फीस ले रहे हो, और परसेंटेज अगर आपका देखा जाए तो मात्र 77% बच्चे ही प्लेस्ड हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं है। 3 लाख फीस भले नहीं ले रहे हो, 3 लाख तो खर्च कर रहा है ना बच्चा, तो आप 12 लाख दो, और इनका एवरेज 4 लाख है, हैं 12 लाख दिया, और लगभग एक ऑनलाइन एवरेज बच्चा 4 लाख लेके निकल रहा है, 4 लाख का प्लेसमेंट लेके निकल रहा है यार, तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं मानूंगा इसको, है ना, क्योंकि घर वाले तो अच्छा एक्सपेक्ट करे होंगे ना, हर साल 2-2.5 लाख आपको दे रहे हैं, तो एक्सपेक्ट तो बहुत बढ़िया किए होंगे कि बच्चा बहुत अच्छा लेके निकलेगा, पर एवरेज देख लो यार 4 लाख है काइट का, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। उसके अगले साल तो और भी परसेंटेज कम था, है ना, 18-19 में इनका प्लेसमेंट का सिनेरियो और भी बेकार था, तो ये देख लो यार आप काइट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मात्र 78% का प्लेसमेंट रहा। यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ काइट में, तो 78% ही बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, काइट में मात्र 78% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, 78% अब बारी आती है एकेजी। तो ये आज जो जेसिस को ही देख लेते हैं, जेसिस को देखो, यहाँ से देखो जेसिस में देखो यार, 18-19 में इनकी 3 लाख की एवरेज प्लेसमेंट थी, 18-19 में एवरेज प्लेसमेंट इनकी यहाँ पे जो थी, ये NIRF का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, भले ही लोगों के नज़र में जेसिस सबसे अच्छा है या लोग ऐसा सोचते हैं, पर मैं दिखा रहा हूँ NIRF का डाटा है। 3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट था, ठीक है, 4.5 लाख उससे पहले था, ठीक है, 17-18 में 4.5 लाख था, 18-19 में 3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट था, ठीक है। और अगर मैं इन तुम्हारा निकालूं कि 18-19 में इनके कितने बच्चे प्लेस्ड हुए ना, तो देख के शौक रह जाओगे। देखो परसेंटेज देखो इनका, मात्र 52% प्लेसमेंट दिया इन्होंने,
52% बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए, तो यार कौन सा ज्यादा प्लेसमेंट है यार। आपके यहाँ 48% बच्चे ऐसे हैं जो बेरोजगार रहे, जिसमें से 123 तो मान लिया किधर चले गए, हायर स्टडीज में चले गए हैं, ठीक है, ये हायर स्टडीज में चले गए हैं, तो इनका प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। 3 लाख 12 लाख, 3 लाख मतलब 3 लाख एक साल का, मतलब 12 लाख का पैकेज दे के जा रहे हो इनको, और बदले में 3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है। इसीलिए मैं तो, अगर इधर CSIT नहीं मिलता है ना, CSIT इवन EC, तो मैं इधर जाना प्रीफर ही नहीं करता। इधर तभी जाओ जब CSIT अगर मिल रहा है, तभी जाना काम का है, मुझे तो बाकी तो कुछ खास काम का नहीं लगता है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, गलत मत लेना कोई भी लोग, ठीक है, क्या रे ये बहुत वो कर रहा है, नहीं नहीं भाई, मतलब मैं अपने पॉइंट, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे पता है कि पेरेंट्स कैसे पैसे अरेंज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इधर मिल रहा है, ठीक है, CSIT, तो चले जाओ, लेकिन बाकी सिविल वगैरह के लिए तो मत जाओ यार, क्योंकि यार प्लेसमेंट के लिए लोग जाते हैं, प्लेसमेंट यहाँ भी वहीं, राजकीय भी वहीं देगा, राजकीय में फीस 40,000 दोगे, हैं टोटल मिला जुला के वहाँ 52,000 में हो जाएगा, 55,000 में सब हो जाएगा, और 55,000 तुम्हारा स्कॉलरशिप भी आ जाएगा, है ना। तो एक तो ये बच्चा हो गया राजकीय में पढ़ रहा है सिविल से, और तुम भी यहीं जाके पढ़ रहे हो सिविल से, ठीक है, तो क्या प्लेसमेंट उसका भी कुछ खास नहीं लगा, तुम्हारा भी कुछ खास नहीं लगा, तो कहाँ से तुम सुपीरियर हो गए, जबकि तुम 12 लाख डुबा के आए हो, ठीक है। तो यार मैं नहीं मानता है ना, बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर कोई JSS लवर है तो सॉरी फॉर दैट, तब मैं ही नहीं कह रहा कि बेकार है, बेकार तो कोई भी कॉलेज नहीं है, सब ठीक है, पर मेरा मानना है जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से, जो लोग अच्छी फैमिली से हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं यार, वो कहीं पे भी उड़ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ कि आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। ए रहा किसका, ए रहा JSS का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ NIRF AKG का, इसका तो हालांकि मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो 19-20 का मैं इनका डाटा दिखा रहा हूँ, 19-20 का 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट रहा, 930 में से 882 बच्चे प्लेस्ड कर दिया। अगर मैं इसका निकालू ना, तो ये 94%, देखो इसका प्लेसमेंट लगभग 94% है, 94.8%, तो इसको मैं कहूंगा ठीक प्लेसमेंट दे रहा है यार, बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है, सिविल वगैरह होने के बावजूद भी आप 94% का प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो दिस इज वेल एंड गुड। और 22 बच्चे उसके बाद हायर स्टडीज में भी गए हैं, तो दिस इज बढ़िया भाई, इस हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो AKG बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है इन तीनों में। अरे देखो यार JSS तो सबसे गंदा दे रहा है, 52% का प्लेसमेंट, 52% ही लोग प्लेस्ड हुए हैं, इसका 94% प्लेस्ड हो गए हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। तो ये AKG में थोड़ा सा खास है कि यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो ज़्यादा है। तो अगर तुम देखो, अगर तुम मुझे NIRF से बोलोगे ना कि NIRF से कौन ज़्यादा बेटर है, तो फिर काइट बेटर है, काइट बेटर है, उसके बाद JSS बेटर है, उसके बाद AKG बेटर है। लेकिन अगर तुम मुझे बोलो कि सर प्लेसमेंट वाइज बताइए, तो मैं बोलूँगा AKG बेटर है यार, 94% का प्लेसमेंट इसका है 18-19 में, उसके बाद JSS बेटर है, उसके बाद काइट बेहतर है, ठीक है। तो यार ये रहा इनके प्लेसमेंट का सिनेरियो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और 2-3 कॉलेज हैं, जैसे गलगोटिया, ठीक है, ABES, IMS और भी हैं 1-2 कॉलेज, जिनका मैं कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ, और तुम्हें समझ में आएगा कि विच इज़ बेटर और हमें क्या लेना चाहिए। तो तुम खुद देख सकते हो कि किसमें क्या प्लेसमेंट है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सही है, माहौल सबका सही है, या तो नोएडा में है या गाज़ियाबाद में है, तो यार ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है UP के, NCR रीजन के हैं, तो यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, फैकल्टी भी लगभग ठीक ठाक ही है, फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखो यार कोशिश करना, अगर तुम्हें इधर CSIT और EC फी बिहेवियर का मिल जाए ना, तो यहाँ चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये ऐसे लोगों को जिनको फी बिहेवियर की सीट मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और CSIT EC मिल रही है, और आप एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो आप जा सकते हैं। बाकी ब्रांच को तो मैं नहीं प्रीफर करूँगा, बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि यार प्लेसमेंट तो खास कर होगा नहीं, प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है नहीं ना, और बहुत बड़ा प्लेसमेंट में नहीं मिल रहा है,
तो मैं किस बात के लिए प्रिफर करूँ, 12 लाख दे दो है ना, और प्लेसमेंट कुछ खास ना हो तो यार ये मुझे नहीं लगता है मेरे हिसाब से प्रिफरेबल है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से सही है तो यू कैन गो देयर, बट आई डोंट लाइक, अगर मुझे सिविल लेना हो तो मैं नहीं लूँगा काइट, मैं किसी राजकीय को लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार सिविल लेना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, प्लेसमेंट का तो सीनियरियो कम है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना, तो मैं राजकीय में जाऊँगा, वहाँ से गवर्नमेंट की तैयारी करूँगा। ठीक है, मैं इतना पैसा क्यों फंसाऊँगा, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मैं 4 लाख क्यों फंसाने, 3 लाख क्यों फंसाने जाऊँगा एक साल का, मैं वहाँ 40,000 फंसाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरा स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। तो ये मेरा सीनेरियो है, बाकी आपकी क्या थिंकिंग है आप सोचेगा। ठीक है, हाँ बाकी एक बात, अभी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए मैं चॉइस का हर कैटेगरी के लिए मैं PDF अपलोड करने वाला हूँ, हर कैटेगरी के लिए चॉइस फिलिंग की PDF डालने वाला हूँ, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके सेम टू सेम आप फिल कर सकते हैं, और डेफिनेटली AKTU में आपको जिस बेस्ट रैंक तक कॉलेज मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, अगर आप हमारे उसको प्रेफर करते हुए चलते हैं तो। अगर फिर भी उसमें कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके जो भी क्वेश्चन है पूछिए, अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं YouTube चैनल की। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर।